उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ के मंदिरों का इतिहास प्राचीन काल का रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक ऐसा ही मंदिर है जहाँ लोगों की हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है। अल्मोड़ा शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है बेतालेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग में भगवान शंकर विराजमान है और यह मंदिर प्राचीन काल का बताया जाता है। यहाँ के पुजारी बताते हैं शिवरात्रि, बैसाख, सावन और माघ के महीने में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है। इसके अलावा इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मांगता है, भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूरी करते हैं, चाहे वह संतान सुख की प्राप्ति हो या फिर धन दौलत से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, उसकी मनोकामनाएँ यहाँ पूरी होती है। जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो इस मंदिर में आकर शिव का पाठ, रुद्राभिषेक या फिर भंडारा इत्यादि कराता है। देखें नारायण, यह मंदिर तो काफ़ी साल पुराना है और फिर इसकी कोई वो कर भी नहीं सकता है मंदिर का कि कितना पुराना कितना पुराना नहीं है। इसकी खोज करना बहुत कठिन है, कठिन क्या नामुमकिन ही है, क्योंकि ईश्वर को तो कोई खोज ही नहीं सकता। अब रही बात यहाँ पर श्रद्धालु जो है कि आते जाते रहते हैं, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। माघ का महीना, बैसाख का महीना, महाशिवरात्रि, इन पर्वों में काफ़ी यहाँ पर भीड़ होती है और जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और जिस प्रकार की कामना मनोकामना भगवान से कहते हैं या मांगते हैं, उनका तुरंत ही ईश्वर पूरा कर देते हैं उस मनोकामना। हम लोग रुद्रपुर से हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, और हम जैसे अल्मोड़ा जागेश्वर धाम दर्शन करने आते रहते हैं। महादेव का नाम बहुत सुना है लेकिन कभी आए नहीं थे। आज महाराज जी की कृपा से आ गए हैं और यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। वातावरण यहाँ का बहुत बढ़िया है, बिल्कुल पहाड़ों में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नए आनंद की अनुभूति है। यहाँ से नए चार्ज होकर जाएंगे। लोगों का विश्वास है तो मनोकामना पूरी होती होगी ज़रूर, और हम भी अपनी मनोकामना लेकर आए हैं भगवान के आगे। बाकी महादेव का आशीर्वाद है। देखिए मैं अपना ही छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मुझे 7 साल से औलाद नहीं हो रही थी और मुझे अपने बितालनाथ पे पूरा भरोसा था कि मेरी औलादें होंगी, और उसके बाद साक्षात भोलेनाथ ने मुझे एक लड़का दिया है जो प्रत्यक्ष भोलेनाथ का प्रमाण है, क्योंकि जब वो बहुत छोटा था, 1-1.5 साल का था, तो वो बितालनाथ का नाम स्वतः ही लिया करता था। हमको उसको बितालनाथ का नाम रटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो स्वतः ही बितालनाथ का नाम लिया करता था। और मनोकामना पूर्ण वाली बात है तो मनोकामना तो जो सिर्फ बितालनाथ मंदिर पर कदम रख देता है, सिर्फ कदम, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसकी हर एक मनोकामना, चाहे वो धन दौलत से हो, औलाद से हो, पैसों से हो, किसी चीज़ से भी हो, मकान से हो, उसके दुख से हो, उसकी बीमारी से हो, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरी होती है। अल्मोड़ा से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है बेतालेश्वर महादेव का मंदिर और ये मंदिर प्राचीन काल का बताया जाता है, और यहाँ स्वयंभू शिवलिंग में भगवान शंकर विराजमान है। इस मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और लोगों की यह मनोकामना पूरी होती है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, News 18 लोकल के लिए। Yeah.